Good morning students, how are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2B chapter start किया हुआ है जिसका name है Uniformly Accelerated Motion. Okay? इसमें हमने what is acceleration, types of acceleration, ठीक है, velocity time graph और accelerated motion इस article को cover कर लिया था. हमने बेटा इसमें formula start किए थे, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमने थ्री फॉर्मूला को प्रूफ किया था. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस. ठीक है, हमने इन फॉर्मूला को मतलब कि फर्स्ट मेथड से कवर कर लिया था. ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आज हम इस फॉर्मूला को सेकंड मेथड से कवर करेंगे. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे मतलब कि ग्राफ के मेथड से. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम सबसे पहले ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम थ्री इक्वेशन को सोल्व करेंगे. ओके, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे. एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जे बॉडी का ओरिजिन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होएगा, मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डीबी अपॉन एडी. ठीक है, डीबी अपॉन एडी क्या है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, अब देखो ध्यान से डायग्राम को. एडी को हम ओई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डीबी अपॉन ओई. अब देखो जो हमारे पास डीबी डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ई बी हमारे पास टोटल डिस्टेंस है. ठीक है, तो डी बी कितना आएगा, ई बी माइनस डी ई. ठीक है, अपॉन ओ ई. ई बी क्या है हमारे पास, ठीक है, ई बी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी वी. देखो ध्यान से, ई बी इज इक्वल टू वी. और ई डी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी यू. ओ ई क्या है हमारे पास, टाइम. इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. आज हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम. ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने प्रूफ किया था अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मतलब कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट. अब हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, सबसे पहले देखो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, इसलिए एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, डीबी अपॉन एडी. ठीक है, डीबी अपॉन एडी क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, और एडी क्या है हमारे पास, टाइम, इसलिए डीबी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी. अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म ओ ए बी ई. देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रेपिज्म है ओ ए बी ई. ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया.
ठीक है, इसका एरिया हम टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखो, ये तो हमारी क्या बनगी, रेक्टेंगल, ऊपर वाली क्या बनगी, ट्रायंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ओ ए डी ई रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल आएगा, ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी डी, ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, 1.2 ए डी इंटू डी वी। हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल पुट कर दिया ओ ए इंटू ओ ई, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल पुट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया पुट कर दिया और ट्रायंगल का एरिया पुट कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1.2 ए डी इंटू डी वी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ से ओ ए की वैल्यू पुट कर देंगे यू, ओ ई की वैल्यू पुट कर देंगे टी, ए डी की वैल्यू पुट कर देंगे टी, ठीक है, और डी वी की वैल्यू पुट कर देंगे ए टी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ है, देखो इसमें यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या है, यू, ठीक है, ओ ई की वैल्यू क्या है, टी, और ए डी की वैल्यू क्या है, टी, और डी वी की वैल्यू क्या है, ए टी। ठीक है, डी वी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी पॉन ए डी, डी वी की वैल्यू हमने यहां से फाइंड की थी ए इंटू ए डी, ए डी क्या हमारे पास, टी, इसलिए डी वी इज इक्वल टू ए टी, इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, क्योंकि टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया टी स्केयर, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, हमने टू मेथड से मतलब कि इस फॉर्मूले को प्रूफ किया है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर को प्रूफ किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट टू क्वेश्चन यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म देखेंगे, मतलब कि जो एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म ओ ए बी ई। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड करने के टू मेथड हैं, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक मतलब कि सेकंड मेथड क्या है, 1.2 ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रेपिज्म है ओ ए बी ई। ठीक है, इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, 1.2 ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी हमारे पास, बी ई ओ ए, इन दोनों का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड क्या है, ए टी। स्टूडेंट्स, अब देखो जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डी बी अपॉन ए डी। ओके, अब देखो जो हमारे पास डी बी है वो किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास क्या है, ई बी। ठीक है, ई बी माइनस ई डी। ठीक है, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई। ओके, ठीक है, अब हमने ओ ई फाइंड करना है, ओ ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई बी माइनस ई डी, ए इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसा हमारे पास क्या आ गया, 1.2 ई बी प्लस डी ई। ठीक है, ओ ई की हमारे पास क्या वैल्यू है, ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो डायग्राम को ध्यान से, ई बी क्या है हमारे पास, वी, और डी ई क्या है हमारे पास, यू। ठीक है, अब इन दोनों का स्केयर माइनस इन दोनों, मतलब कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ई बी की वैल्यू वी है तो वी का स्केयर आ गया, डी ई को हमने डी ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया यू स्केयर, क्योंकि डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू का स्केयर। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेटा हमने मतलब कि थ्री क्वेश्चन को प्रूफ किया है, वी इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी। ठीक है,
s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम इन तीनों क्वेश्चन को प्रूव किया था। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ट्रेवल करती है, मतलब कि एनी बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक है, आज हमने इस थ्री क्वेश्चन को प्रूव किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने क्या लिया, v इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी को प्रूफ करने के लिए हमने क्या प्रूफ किया, जो मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एप्लीकेशन को यूज किया। ठीक है, मैंने बताई थी ना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन थी इसकी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कि स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। v इज इक्वल टू यू प्लस at को प्रूफ करने के लिए हमने मतलब कि इस एप्लीकेशन को यूज किया, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको प्रूफ करने के लिए हमने कौन सी एप्लीकेशन यूज की है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर एरिया आता है, मतलब कि ठीक है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टू एप्लीकेशन को यूज किया। फर्स्ट एप्लीकेशन थी मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मतलब कि क्या एप्लीकेशन थी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया होता है, जैसे ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके अंडर एरिया है ओ ए बी डी। ठीक है, ये क्या बन गई हमारे पास ट्रैपिज्म, इस ट्रैपिज्म का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमने इन दोनों एप्लीकेशन को यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, हमने टू मेथड से इस थ्री क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। आपने अच्छे से इसको सोल्व करके देखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।